हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं द न्यू ह्युंडई ओरा के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसे ग्रैंड आई10 में से ग्रैंड आई10 नियोस आई, वैसे ही ह्युंडई एक्सेंट की जगह ह्युंडई ओरा आने वाली है। जी हाँ, मैंने इसके ऊपर पहले भी एक वीडियो बनाया था, पर यह थोड़ा सा अपडेटेड वीडियो रहेगा कि इसकी डिज़ाइन कैसी रहेगी, उसका बैक लुक क्या होगा, उसका पीछे क्या चेंजेस किया गया है, उसमें क्या फीचर्स मिलेंगे, उसमें सेफ्टी फीचर्स क्या होंगे, इंजन क्या होगा, ट्रांसमिशन क्या होगा, कब लॉन्च होने वाली है, सारी की सारी बात इस वीडियो में करने वाला हूँ। तो इस वीडियो का अंत तक देखते रहिए। संकेत की ये वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूले। सब्सक्राइब का बटन दबाने के बाद इस बेल आइकन को दबाकर मेरी हर ऑटोमोटिव रिलेटेड वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाए। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कार के लुक के बारे में। जहां कार का जब हम फ्रंट लुक देखें तो फ्रंट लुक सेम टू सेम हुंडई ग्रैंड आई10 नियोस जैसा ही रहेगा। जी हाँ दोस्तों, कॉपी टू कॉपी ऐसा है। जैसे ग्रैंड आई10 थी उसमें एक्सेंट थी, वैसा ही इसमें भी चेंजेस किया गया है कि फ्रंट में जैसा नियोस में होगा वैसा ही ह्युंडई ओरा में ही रहेगा। आगे से लेके पीछे के व्हील तक है वो आपको ग्रैंड आई10 नियोस जैसी लगेगी। चैन सिर्फ बार से ये है कि यहाँ आपको पीछे ओरा में थोड़ा सा बूट मिलेगा। अब देख सकते हो कि आगे की कार है, आगे से थोड़ी सी बैठी हुई है और पीछे से थोड़ी सी हाई की गई है। मुझे पर्सनली रियर का लुक है वो काफ़ी मुझे बेहतरीन लगा, क्योंकि जो पहले एक्शन का जो लुक था वो थोड़ा सा डिब्बे जैसा लग रहा था, अब जो लुक है वो थोड़ा सा स्टाइलिश लगता है। आपको एक यूनिक लुक इसमें दिया गया है। रियर जो टेल लैंप है मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छे लगे हैं, क्योंकि वो काफ़ी टेल लैंप की डिज़ाइन है वो काफ़ी बेहतरीन बनाई गई है। पीछे के लुक से देखें तो आपको विड्थ काफ़ी ज़्यादा मिलेगी, और व्हील के जो ऊपर जो बूट का पार्ट देखे तो उसमें स्पेस काफ़ी ज़्यादा दिया गया है। इतना मतलब है कि आपको है वो अंदर जो बूट का जो स्पेस है वो काफ़ी डीप होगा और गफ बूट आपको थोड़ा सा ज़्यादा मिलने वाला है। नेक्स्ट बात कर दूँ इसमें आपको बाहर से दूसरा क्या मिलेगा, तो इसमें आपको 15 इंचज़ के आपको डायमंड कट एलॉय व्हील मिलेंगे, उसमें ऊपर आपको शार्क फिन एंटेना मिलेगा। इतने आपको बाहर से आपको फीचर्स मिलेगा। बाकी चेन सिर्फ देखो तो यहाँ आपको सिर्फ एक ही चेंज है कि यहाँ आपको बूट मिलेगा, रियर आपको LED टेल लैंप मिलेगा, सिर्फ उतना ही चेंजेस किया गया है। बाकी ओवरऑल आप जब कार देखें तो आपको फ्रंट से आपको ग्रैंड आई10 नियोस ही लगेगी। अगर आपने मेरा ग्रैंड आई10 नियोस वाला आपको रिव्यू नहीं देखा तो आप आई बटन के ऊपर आप एंटर होकर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हो। अब ह्युंडई ओरा के एक्सेंट के सामने डायमेंशंस के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले डायमेंशंस में देखें तो लेंथ दी गई है ह्युंडई ओरा की 3995 mm, एक्सेंट की लेंथ भी दी गई है 3995 mm, विड्थ देखें तो 1680 mm और एक्सेंट की भी विड्थ दी गई है 1660, यानी कि एक्सेंट से विड्थ है वो 20 mm है और ज़्यादा है। हाइट की बात करें तो 1520 mm कार की हाइट दी गई है और एक्सेंट की हाइट दी गई है 1520 mm, यानी कि हाइट है वो दोनों की सेम ही रहेगी। व्हील बेस की बात करें तो 2450 mm व्हील बेस दिया गया है ह्युंडई ओरा का, और एक्सेंट का दिया गया है 24250, यानी कि 25 mm ज़्यादा आपको व्हील बेस मिलेगा, यानी कि अंदर आपको स्पेस थोड़ा सा एक्सेंट से ज़्यादा मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, ये नियोस ही एक दूसरी आप नियोस ही कह सकते हो, एक एक्सेंट का एक नियोस वाला मॉडल भी आप कह सकते हो, क्योंकि नियोस का मैंने मतलब जो मैंने आई बटन के आप एंटर पर वो ग्रैंड नियोस वाला जो वीडियो देखे तो उसमें मैंने कहा है कि नियोस इट मीन्स कि आपको इसमें स्पेस ज़्यादा मिलेगा, थोड़ा सा कंफर्ट ज़्यादा मिलेगा, इंटीरियर काफ़ी अच्छा होगा, इसका मतलब ये होता है। तो वही ह्युंडई है वो एक इम्प्रूवमेंट नियोस में ये करता है। ह्युंडई ने अभी ओरा के जो इंटीरियर है वो रिवील नहीं किए गए हैं, इसीलिए मैं आपको इंटीरियर के कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकता, पर मैं आपको फीचर जरूर बता सकता हूँ कि ये फीचर तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। इसमें आपको 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा, जिसमें आपको एंड्रॉयड और एप्पल कारप्ले भी मिलेगा, पर ब्लू लिंक की कनेक्टिविटी आपको इसमें नहीं मिलेगी। इसमें आपको 4 स्पीकर मिले, वो आपको आर्केमिक का साउंड है वो मिलेगा। दूसरी बात करें तो आपको इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर को 5.3 इंच डिजिटल स्पीडोमीटर मिलेगा। अब सेफ्टी फीचर्स के बारे में बात करूँ तो इसमें आपको ABS, EBD, एयरबैग, रिवर्स पार्किंग कैमरा, रिवर्स पार्किंग सेंसर, इतने आपको फीचर्स है वो मिलने ही वाले हैं। दूसरी बात करें तो इसमें आपको इंजन के बारे में बात करी थी, इसमें आपको 1.2 लीटर पेट्रोल और 1.2 लीटर डीजल आपको इंजन है वो इसमें प्रोवाइड किया जाएगा। इसमें आपको 1.2 टर्बो पेट्रोल इंजन का भी ऑप्शन है वो दिया जाएगा। ट्रांसमिशन के बारे में बात करी थी, इसमें 5 स्पीड मैनुअल और 5 स्पीड ऑटोमेटिक दोनों के दोनों आपको ट्रांसमिशन इसका आपको मिलेंगे। तो दोस्तों ह्युंडई ओरा के प्राइसिंग के बारे में बात करें तो कार की प्राइसिंग है वो एक शोरूम प्राइस 5.5 लाख से लेकर 9.5 लाख तक कार की प्राइसिंग है वो रहेगी। ये कार अब लॉन्च कब होने वाली है, ये कार अगले साल यानी कि 2020 जनवरी को ये कार लॉन्च होगी। अब इसके डायरेक्ट कॉम्पिटिशन होगी टाटा टिगोर, उसके बाद होंडा अमेज, मारुति सुजुकी डिजायर और फोर्ड एस्पायर के साथ इसकी डायरेक्ट कॉम्पिटिशन
रहेगी। तो दोस्तों आपको Hyundai Aura की डिजाइन पसंद आई कि नहीं मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद है, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसकी वजह से हर ऑटोमोटिव लेट की सारी जानकारी आपको मिलती रहे। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।